भोपाल पहुंचे पाकिस्तान के सिंध शिकारपुर के प्रमुख साई नारायण भजन साहिब ने कहा कि जो लोग नियमित ईश्वर का भजन करते हैं और हर स्थिति को ईश्वर की इच्छा मानकर शांति से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उन्हें संसार में सुख तो मिलता ही है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता दुर्गेश केसवानी ने कहा कि संतों की कृपा से व्यक्ति का जीवन ही स्वर्ग हो जाता है, इसलिए हमेशा संतों के सानिध्य में रहना चाहिए। पाकिस्तान के सिंध शिकारपुर के प्रमुख साई नारायण भजन साहिब समाधा आश्रम में सत्संग करने पहुंचे, जहां साई ने शिव भजन साहिब और नारायण भजन साहिब कर आरती की। छोटे छोटे बच्चों ने कई सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। इस मौके पर साई नारायण भजन साहिब ने कहा कि जो लोग नियमित ईश्वर का भजन करते हैं और हर स्थिति को ईश्वर की इच्छा मानकर शांति से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उन्हें संसार में सुख तो मिलता ही है, इसके अलावा उनके मन में हमेशा शांति रहती है। बीजेपी प्रवक्ता दुर्गेश केसवानी कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने कहा संतों की कृपा से व्यक्ति का जीवन ही स्वर्ग हो जाता है, इसलिए हमेशा संतों के सानिध्य में रहना चाहिए ताकि हमेशा उनकी कृपा मिलती रहे। इस अवसर पर संतों ने उन्हें सम्मानित कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इसके साथ ही गौ संरक्षण, राम मंदिर के लिए खुले दिल से दान करने और बच्चों को बचपन से ही धार्मिक ज्ञान देने की बात भी कही। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।